दोस्तों थर्ड डे का हमारा प्लान था कि हम रामनगर फोर्ट विज़िट करें जो कि गंगा जी के दूसरे पार पे स्थित है, और ये अराउंड 4.5 किलोमीटर्स है हम जहाँ पर है हम 80 घाट के करीब। तो ये हमने शेयर ऑटो से तय किया। तो बेसिकली एक टिप है कि जब आप 2 दिन यहाँ पे स्पेंड कर लेते हैं, जैसे हमने 2 दिन स्पेंड किया था, तो हमें थोड़ा सा पता चल गया था कि आसपास रूट्स और सब कौन से क्या कहाँ से शेयर्ड ऑटोज चलती हैं, वो सब चीज़ें पता चल गई थी हमको। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है, अगर थोड़ा सा बजट में है तो वो चीज़ हेल्प करती है। आप शेयर्ड लीजिए ना ही रिजर्व लेंगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव बढ़ेगा। तो उस कम्फर्ट से हमने शेयर्ड ऑटो लिया, तो हमें हमारा कॉस्ट ऑलमोस्ट लेस देन इवन हाफ के भी कम हो गया। बिल्कुल हाफ ही हो गया। तो जो रामनगर के लिए जो ब्रिज है वो काफ़ी नैरो ब्रिज है, इसको क्रॉस करने के बाद राइट साइड में आपको दिख जाएगा रामनगर फोर्ट, जो महाराजा बनारस थे उनका ये किला था, अंदर पैलेस भी है। तो बेसिकली फोर्ट ऐसे कुछ नहीं है, बट पूरा का पूरा फोर्ट जो है पूरा म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया है अभी। आपको 75 रुपीज पर हेड का एक टिकट लगता है वहाँ पे, तो उसको लेके आप अंदर जा सकते हैं। तो म्यूजियम में जो राजा और उनके रॉयल फैमिली के जो ड्रेसेस, जो उनकी कार्स, उनके बगीज, ऐसे जो उनके जो यूज़ किए हुए आइटम्स हैं, और प्लस आर्मरी के जो आइटम्स हैं वो सब डिस्प्ले पे हैं। वो आगे आप और विभिन्न तरह के हथियार जो इस्तेमाल किए जाते थे युद्ध में, उसको भी डिस्प्ले पे रखा गया है। तो अंदर फोटोग्राफी मना है, आप करेंगे तो वहाँ पर फाइन देना पड़ेगा, तो ये लिखा हुआ है साफ साफ, तो आप प्लीज़ रूल्स को फॉलो कीजिएगा। म्यूज़ियम के बाद हम चल गए गंगा घाट देखने, वहाँ से गंगा जी के दर्शन हमने किया। और वाराणसी शहर भी दिख रहा था वहाँ पे। जैसे ही आप फोर्ट के अंदर से आप बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे एक महादेव का एक छोटा सा मंदिर भी है, तो वो दर्शन भी कर सकते हैं। और मंदिर के बगल से साइड से आप निकल के आप जा सकते हैं वहाँ पे, ऊपर से फोर्ट के ऊपर से बहुत ही मेजेस्टिक व्यू है गंगा जी के, और वो पुल जिस पुल को हमने क्रॉस किया था, तो आप वो थोड़ी देर आप वो व्यू का आनंद ले सकते हैं वहाँ से। रामनगर फोर्ट विज़िट करने के बाद हम वापस आ गए 80 घाट के पास, और यहाँ पर एक जगह है लंका, तो वहाँ हमने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया, सागर रत्ना रेस्टोरेंट का नाम है, बहुत ही अच्छा लगा खाना, प्योर वेजिटेरियन फूड उपलब्ध है वहाँ पर। वो खाने के बाद हम गर्मी से बचने के लिए हम गेस्ट हाउस के अंदर आ गए। तो लास्ट डे हम दोनों का ट्रेन से रात में है, तो हमने सोचा कि थोड़ा रेस्ट ले लेंगे, फिर हमारा वाराणसी का टूर इस प्रकार ही समाप्त होगा।